नमस्कार, मैं वैशाली। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की रेसिपी है ढाबा स्टाइल दाल फ्राई। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, साथ ही आप इसे रोटी, पराठे, नान और जीरा राइस के साथ में खा सकते हो। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। मैंने इसको लगाया है ऊपर से देसी घी का तड़का, जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो चलिए देखते हैं दाल फ्राई में लगने वाली सामग्री और बनाने की विधि। आज मैं बना रही हूँ दाल फ्राई, जिसके लिए मैंने एक बड़ा कटोरी तुअर दाल को हल्दी डाल करके लगभग 2 से 3 सीटी लगाकर उसके बाद 2 मिनट धीमी आँच पर रखा हुआ। दाल अच्छे से पक चुकी है, ये देखिए दाल बढ़िया पक चुकी है। और एकदम मैंने चिकनी नहीं करी, हल्की सी दाल दाल रखी है, तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में इस तरह की। और यहाँ पे प्याज दाल फ्राई में ज़्यादा डालते हैं, तो लगभग 3 से 4 प्याज लिए हैं जिसे लंबाई में कट किया। 2 हरी मिर्च को मैंने लंबाई में काट के रखा हुआ। धनिया पाउडर है लगभग 2 बड़े चम्मच। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तड़के के लिए मैंने तेल लिया हुआ है और यहाँ पर 1 चम्मच घी लिया है, जिसका मैं ऊपर से तड़का लगाऊंगी, जिससे दाल फ्राई का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। 1/2 चम्मच मिर्च पाउडर है, मिर्च अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हो। 1/4 चम्मच हींग है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ तड़के में सौंफ, तो लगभग 1/2 चम्मच सौंफ ली हुई है, आप मोटी वाली बारीक वाली कोई भी ले सकते हो। और तड़के में डालूंगी मैं साबुत धनिया, तो इसे मैंने थोड़ा सा हल्का सा कूट लिया है, इसे फ्लेवर इसका बढ़ जाता है। और घी का जो तड़का लगाऊंगी वो मैं लाल मिर्च से लगाऊंगी, सूखी लाल मिर्च है। और उसमें मैं डालूंगी 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच यहाँ पर राई है। और यहाँ पर टमाटर भी थोड़े से ज़्यादा लिए हैं मैंने, लगभग 3 से 4 टमाटर अच्छे लाल पके हुए, जिसे बारीक कट कर लिया है। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच चीनी, तो जो चीनी है बैलेंस बनाती है, जिसमें हम अगर टमाटर खट्टे लेते हैं तो, अगर आप नहीं डाल रहे हैं तो इसे अवॉइड कर सकते हो। यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ता लिया है, जिसे मीठी नीम बोलते हैं, फ्रेश ये अगर हो तो डाल सकते हो, जिससे फ्लेवर बहुत ही बढ़ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं दाल फ्राई बनाना। तो मैं 1 बड़ा चम्मच तेल डाल दूँगी, तेल को गर्म होने देते हैं। अब मैं लगा रही हूँ तड़का, तो तेल गर्म हो चुका है। इसमें मैं डालूँगी ये दरदरी कुटी हुई साबुत धनिया और कुटी हुई सौंफ, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। ये बढ़िया क्रैकल हो रही है, तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं इसमें डाल दूँगी प्याज और हरी मिर्च, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 2 से 3 मिनट भून लेती हूँ प्याज को लगातार चलाते हुए। ये देखिए प्याज को मैंने मीडियम आंच पे लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट भून लिया। आप देख सकते हैं हल्का सा कलर चेंज हो गया। हाँ, अब मैं इसमें डाल दूँगी धनिया पाउडर, और धनिया पाउडर को भी साथ में अब धीमी आंच पे अच्छे से भून लूँगी, जब तक इसका ब्राउन कलर ना आ जाए। देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया और इसी तरह लगातार चलाते हुए भून लूँगी। देखिए प्याज और धनिया पाउडर को कितने बढ़िया तरीके से मैंने भून लिया है, बहुत ही बढ़िया कलर आया है। क्योंकि धनिया अच्छे से भूनता है तो दाल फ्राई में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, और नमक जब भी खाएं सेंधा नमक खाएं, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, साथ ही भून लेती हूँ। गैस की आंच अभी मैंने मीडियम रखी हुई है, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर और टमाटर को गलने तक पकने देंगे। और हल्दी मैंने अभी नहीं डाली क्योंकि दाल को पकते समय हल्दी डाल चुकी हूँ मैं। और टमाटर को अच्छे से गलने तक पका लेंगे। लो से मीडियम हीट पर रखेंगे हम गैस की आंच, और अब मैं ढक देती हूँ। लगभग 5 से 6 मिनट हो चुके हैं टमाटर डाल के मैंने अच्छे से पका लिया है। ये देखिए बढ़िया टमाटर पक चुके हैं, अच्छा पानी छूट गया है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, क्योंकि हमने तड़के में सौंफ और साबुत धनिया डाला है, तो उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो मैं इसमें डाल दूंगी चीनी, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें। अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और गैस की आंच बढ़ा दूंगी। अब मैं तुअर की दाल जो पका के रखी हुई है वो डाल दूंगी, और पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, कितनी आप पतली दाल रखना चाहते हो। वैसे जो दाल फ्राई होती है ज़्यादा पतली नहीं होती, हल्की सी गाढ़ी होती है ये। तो मैं ये पानी डाल देती हूँ और फुल आंच पे दाल को उबलने दूंगी। ये देखिए देख सकते हो आप, बढ़िया दिख रही है दाल। तो आप अपने पसंद के हिसाब से दाल में पानी डाल सकते हो, क्योंकि अभी ये गाढ़ी दिख रही, क्योंकि अभी उबलेगी तो और गाढ़ी हो जाएगी, तो थोड़ा सा पानी मैं और डालूंगी।
और फुल आंच पे उबलने दूंगी। 2 से 3 मिनट में दाल बिल्कुल तैयार हो जाएगी। उसके बाद मैं लगाऊंगी इसको देसी घी का तड़का, और ढकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि दाल पकी हुई है, तड़का हमारा बिल्कुल तैयार है, बस फुल आंच पे उबाल लेते हैं। ये देखिए फुल आंच पे 2 से 3 मिनट मैंने दाल को उबाल लिया है। ये देखिए बढ़िया दिख रही है हमारी दाल, ना ज़्यादा पतली है और ना ही ज़्यादा गाढ़ी है। आप इसे रोटी चावल दोनों के साथ में ही खा सकते हो। तो अब मैं इसमें लगाती हूँ देसी घी का तड़का। अब मैं लगाऊंगी दाल को देसी घी का तड़का। तो यहाँ पे तड़का पैन रख दिया है, मैं इसमें डाल दूंगी देसी घी। तो घी गर्म होने देते हैं। ये देखिए घी गर्म होने लगा है, क्योंकि एकदम करेंगे तो घी जलने लगता है। तो इसमें डाल दूंगी हींग, राई और जीरा, सूखी मिर्च। इसको हल्का सा तड़का लिया है मैंने, नहीं तो ये उछल के ऊपर आती है। साथ ही डाल दूंगी कड़ी पत्ता, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। देखिए अच्छे से क्रैकल होने देंगे और मिर्ची को भी थोड़ा सा कलर चेंज होने देंगे तो बहुत बढ़िया खुशबू आती है। ये देखिए कलर चेंज होने लगा है, जीरा भी बढ़िया क्रैकल हो गया। तड़का हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं इसको डाल दूंगी दाल पर। और इस तरह से मिक्स कर देती हूँ। देखिए तड़के को मैंने दाल में मिक्स कर दिया, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो दाल फ्राई हमारी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। गर्मा गर्म दाल फ्राई तैयार है खाने के लिए। आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है, खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप भी इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताना ना भूलें कि दाल फ्राई की रेसिपी आपको कैसी लगी है। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।